बताया गया कि धमाके के बाद अस्पताल के हॉल में आग लग गई, शीशे टूट गए और मानव शरीर के कटे जले अंग जहां तहां बिखर गए, यानी अस्पताल के आसपास का माहौल में हाहाकार मच गया। इसके बाद जब शवों के निकलने का सिलसिला शुरू हुआ तो 100 से शुरू हुई गिनती 500 लोगों की मौत के दावे तक जा पहुंची। ऐसे मंजर को देखकर मदद के लिए पहुंचे लोग भी हौसला हारते और बिलखते नजर आए। हालांकि जिंदगी बचाने और घायलों को दूसरे अस्पतालों में पहुंचाने की जद्दोजहद जारी रही और भावुकता में कुछ नारों की आवाजें भी सुनाई पड़ी। रात भर अस्पताल के बाहर ऐसा ही आलम रहा। और सुबह होने से पहले जब लोग इस चुनौती से जूझने के लिए मानसिक तौर पर तैयार हो गए तो दूसरे अस्पतालों में मरीजों को भेजने का सिलसिला शुरू हुआ। अलहरी अस्पताल में हुए धमाके में घायल मरीजों का अगला ठिकाना अल शिफा अस्पताल बना, जो धमाके वाली जगह से महज 1.5 किलोमीटर दूर है। एम्बुलेंस के जरिए घायलों और मरीजों को अलशिफा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एम्बुलेंस के पहुंचते ही घायल निकलते दिखे। घायलों में मासूम बच्चों से लेकर हर उम्र के लोग दिखे, जिनमें कुछ बेसुध तो कुछ दर्द से कराहते नजर आए। किसी भी जंग में नागरिक ठिकानों और अस्पतालों को निशाना नहीं बनाया जा सकता। ऐसा करना युद्ध अपराध के दायरे में आता है, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने सजा का प्रावधान कर रखा है। इसीलिए जैसे ही अस्पताल में धमाका हुआ, हमास और फिलिस्तीन ने इसके लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया और मामले की गंभीरता के साथ ही इसराइल को कटघरे में खड़े करने की नीयत से गाजा के स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल के अहाते में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुँच गए। وهذه هي القذيفة الثانية وهذه بعض آثار ذلك القصف أبو الريش نے حملے کے بعد اسرائیل سے دھمکی ملنے کا بھی دعویٰ کیا المكان الوحيد الذي يتم تحذير فيه البيوت هو القصف स्वास्थ्य मंत्री जब इसराइल पर आरोप लगा रहे थे तब उन्होंने दुनिया की सहानुभूति पाने के लिए कुछ लोगों को उनके घर के बच्चों के शव के साथ सामने बिठा रखा था। गाजा के अस्पताल में धमाके के बाद हमास और फिलिस्तीन के आरोपों का दुनिया के कई मुस्लिम देशों का भी साथ मिला। इसराइल को जैसे ही अपने दुश्मन की मंशा का एहसास हुआ, उसने फौरन इन आरोपों को झुठलाना शुरू कर दिया, जिसके लिए इसराइल कई सबूतों के साथ सामने आया। इसराइल की सेना ने बतौर सबूत इसराइल के रडार फुटेज जारी किए, जिसमे इसराइल के दागे रॉकेट और अस्पताल पर गिरे रॉकेट की दिशा दिखी। आई कैन कन्फर्म दैट एन एनालिसिस ऑफ द IDF ऑपरेशनल सिस्टम्स indicates that a barrage of rockets was fired by terrorists in Gaza. इसके अलावा इसराइल सेना ने एक और तस्वीर जारी की, जिसमें अस्पताल कैंपस धमाके और रॉकेट दागने की जगह दिखी और इसे हमास के नाकाम और भटके रॉकेट का अंजाम करार दिया। Indicates that the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in Gaza. इसके साथ ही इसराइल ने बीते 24 घंटे में हमास के रॉकेट लॉन्च करने की नाकाम कोशिशों की तस्वीरें भी जारी कर डाली। लेकिन इसराइल की तरफ से तकनीकी सबूत दिए जाने के बावजूद उस पर आरोप लगने बंद नहीं हुए। जब इस मामले में कई देश हमास के साथ आ गए तो मजबूरन इसराइल को एक और इलेक्ट्रॉनिक सबूत सामने रखना पड़ा, और ये सबूत एक ऑडियो रिकॉर्डिंग के रूप में दुनिया के सामने आया, जिसमें हमास के 2 आतंकियों की बातचीत के दावे किए गए। इस बातचीत में अस्पताल पर हुए धमाके के बाद एक आतंकी दूसरे से पूछता दिखा। इस बातचीत में जब आतंकी इसराइल का नाम लेता है तो उसे नाम नहीं लेने की नसीहत दी गई और हमले की जगह तक बात पहुंच गई। यानी जंग में उतर पड़े इसराइल ने हमास के हमलों से बचने के लिए जिन तकनीकों पर भरोसा किया, वही इस गंभीर आरोप से बचने में उनके हथियार साबित होने लगे। लेकिन इतने सबूत के बावजूद गाजा के अस्पताल में हुए धमाकों के लिए अरब ग्रुप ने इसराइल को कसूरवार ठहराना जारी रखा। ऐसे में इसराइल डिफेंस फोर्स ने एक और वीडियो जारी किया, जिसमें गाजा के रिहायशी इलाकों में हुए कई हमलों के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया गया। वीडियो में गाजा के रिहायशी इलाके दिखाए गए और उन खास हिस्सों को केंद्र में रखा गया जहां बीते दिन रॉकेट हमले हुए।
बताया गया कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए घनी आबादी वाले इलाके पर रॉकेट दागे गए और ये दावे हवा हवाई नहीं, इसे साबित करने के लिए गाजा के अंदर से दागे जा रहे हमास के मिसाइलों के लोकेशन भी दिखाए गए। यही नहीं, इसके बाद जहां जहां रॉकेट गिरे उसे भी दिखाकर ये साबित करने की कोशिश की गई कि नागरिक ठिकानों पर हमले के पीछे केवल और केवल हमास है, इसलिए गाजा को हमास से मुक्त कराने की जरूरत है। गाजा अस्पताल हमले पर इजराइल का दावा, हमारे पास हमले का एक और वीडियो सबूत वीडियो में दिख रहा है। रॉकेट कहां से आया, जिसे संदेह वो वीडियो देखे। ये इजराइल की प्रतिक्रिया है जब उसके पर आरोप लगा कि अस्पताल के ऊपर इजराइल के द्वारा रॉकेट गिराया गया है। गाजा अस्पताल हमले पर अब इजराइल दावा कर रहा है, हमारे पास हमले का एक और वीडियो सबूत है, जिसको शक है, संदेह है, वो इस वीडियो को देखे। तो ये देखिए, ये वीडियो में दिखाया गया है कि लॉन्च साइट क्या है और हॉस्पिटल क्या है, और जो लॉन्च साइट है वो गाजा में ही मौजूद है। इजराइल का कहना है कि ये हमास का या किसी आतंकी संगठन का रॉकेट है जो गलत दिशा जिसने पकड़ ली और वो अस्पताल के ऊपर गिरा। ये लॉन्च साइट और हॉस्पिटल बताया गया है। इस पूरे वीडियो में ये दिखाया गया है कि जो लॉन्च साइट है वो गाजा में मौजूद है, ये रॉकेट गाजा से चला है, ना कि इजराइल से। लेकिन हमास अस्पताल पर हुए हमले को हर हाल में इसराइल की करतूत साबित करने पर आमादा दिखा। हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया ने अस्पताल पर हुए हमले को युद्ध अपराध कहा। और मुस्लिम देशों, खासकर अरब मुल्कों से इस नरसंहार की निंदा करने और बदला लेने में मदद की अपील की। تمر عليه هذه الأمة وهذه الاجتماعات مرور الكرام. لكن إسرائيل کے پردھان منتری نیتنیاہو نے حماس کے رخ کی تلنا امریکہ پر ہوئے آتنکی حملے 9/11 سے کی اور اس کے ماسٹر مائنڈ کے نام گنائے. Of Iran and Hezbollah and Hamas. Their goal, open goal, is to eradicate the state of Israel. इजरायली पीएम ने हमास को आईएसआईएस और नाजियों से ज्यादा खतरनाक और अपने बच्चों का हथियारा बताया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी गाजा के अस्पताल में हुई मौत पर दुख जताते हुए इसके जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने की जरूरत बताई। गाजा के अस्पताल पर हुए हमले ने दुनिया को दहला दिया। इस सदमे से लोग उबरे भी नहीं थे कि गाजा से ही एक और खबर आई जिसमें एक ऐसे स्कूल पर हमला हुआ जिसे संयुक्त राष्ट्र चलाता है। दावा किया गया कि ये स्कूल इजरायली हमले में तबाह हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। मिसाइल हमले में स्कूल की दीवारें टूटी दिखी और क्लासरूम तक बर्बाद नजर आए। बरामदे में खून के धब्बे दिखे तो जहां तहां गिरी कुर्सियां और बच्चों के खिलौने भी नजर आए। इस जालिवा हमले में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। ये वही जगह है जिसे हमास और इसराइल के बीच जंग शुरू होने के बाद शेल्टर होम में बदल दिया गया था, और एक दिन पहले तक यहाँ बच्चे बेखौफ होकर खेलते दिखे थे। ऑपरेशन अजय के तहत आज 268 भारतीय नागरिकों की वतन वापसी हुई। इसराइल में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय को तेज कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत आज 5वीं फ्लाइट इसराइल से दिल्ली पहुंची। इस स्पेशल फ्लाइट में 268 भारतीय और 18 नेपाली नागरिक मौजूद रहे। हमास से जारी जंग के बीच जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने इसराइल का दौरा किया। बीती रात जब वो तेल अवीव एयरपोर्ट पर मौजूद थे तो अचानक रॉकेट हमले का सायरन बजा, जिसके बाद जर्मन चांसलर अपने विमान से निकलकर बंकर की ओर भागते दिखे। इसराइल हमास युद्ध में मारे गए अमेरिकी नागरिकों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने मृतकों की जानकारी देते हुए कहा कि नागरिकों की सुरक्षा के मुद्दे पर इसराइल से बातचीत जारी रहेगी। अमेरिका के लास वेगस में इसराइल और फिलिस्तीन समर्थकों का आमना सामना हुआ। पुलिस ने दोनों गुटों को एक दूसरे से दूर रखने के लिए बैरिकेडिंग की, जिसके चलते मामला बेकाबू होने से टल गया। Z News.